नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके हर फेस्टिवल चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे दीपावली चाहे होली हो, तो उसको लेकर करता है कुछ खास। तो हमारा 1 जनवरी भी आ रहा है, नया साल आ रहा है, लेकिन नया साल जो होता है वो हमारा जो होता है वो चैत माह से आता है। हिंदुत्व का जो नया वर्ष है तो वो चैत माह से आता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को लेकर के कर्नल अनिल आहूजा जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कि लोगों में और बच्चों में वो ऐसी संस्कृति डालेंगे जो वो वैदिक राष्ट्र निर्माण की तरफ जुड़ेंगे। तो उनकी ये पहली मुहिम है गुरुकुल की स्थापना को लेकर के कि वो बच्चों के अंदर वैदिक राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। साथ में जो आजकल हम लोग जो मनाते हैं 1 जनवरी जिसे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो इसका भी वो बताते हैं, लोगों में जागरूक कर रहे हैं। जो हिंदुओं का 9 वर्ष कब शुरू होता है और हिंदुओं का 9 वर्ष को लेकर के जिस तरीके से लोग 1 जनवरी को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते, वैसे जो हिंदुओं का 9 वर्ष शुरू होता है, जो हिंदुस्तान का नया वर्ष शुरू होता है वो कब से शुरू होता है, तो इन सब बातों को लेकर अनिल आहूजा जी से हम बात करते हैं कि 9 वर्ष के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर। नमस्ते बंधुओं, आर्य बंधुओं, हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग को फॉलो करना चाहिए और जो हमारे वैदिक सिद्धांत है, वैदिक संस्कृति है, हमारे ट्रस्ट का नाम भी वैदिक संस्कृति से शुरू होता है। वो ये कहते हैं कि जो चैत्र की जो प्रतिपदा है उसमें हमारे हमें नववर्ष का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस समय सृष्टि में उल्लास होता है, नई फसलें आ रही हैं और मौसम में बहार जैसे आ गई है और ऋतु चेंज हो रही है। इस समय तो घना कोहरा, सवेरे कोहरा होता है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोई ऋतु में परिवर्तन नहीं है। तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो हमको अंग्रेजों की गुलामी से निकलना चाहिए और वेदों के हिसाब से, वैदिक संस्कृति के हिसाब से चैत्र प्रतिपदा को जो कि 2 अप्रैल को है, 2 अप्रैल को हमें नव वर्ष जो है वो नगाड़ों से, ढोल से और हलवे से और मीठे पुओं से हमें ये शुरू आरंभ करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज यही वैदिक राष्ट्रमान गुरुकुल के प्रांगण में ये हंगामा चैनल्स ये इसी के बारे में, इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो सर जी, हमने जब से देखा है कि आप वैदिक राष्ट्र निर्माण के लिए हर चीज को लेकर के, चाहे तंबाकू उन्मूलन को लेकर के हो, चाहे बच्चों में संस्कार को लेकर के, आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो जो आपका जो 31 दिसंबर है जिसमें सेलिब्रेशन होता है नए साल के लिए, तो किस तरीके से देशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन 1 जनवरी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो हिंदुत्व का 9 वर्ष होता है उसका भी सेलिब्रेशन करें, तो कैसे आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे लोगों को कि होटलों में जाके अपना पैसा कमाया हुआ वेस्ट नहीं करना चाहिए, घर में ही टेलीविज़न देखो और ये एक नॉर्मल डे है, उसको नॉर्मल डे की तरह रजाई में बैठ के टेलीविज़न देखो, बस इससे ज़्यादा कोई किसी को विश करने की ज़रूरत नहीं है। और सारा जो है फोकस जो है, अब वो अटेंशन जो है वो अप्रैल में चैत्र प्रतिपदा में ही करना चाहिए। अभी हमें 1 अप्रैल को तो लोग तो जो है अप्रैल फुल दिवस के रूप में मना लेते हैं, वो भी एक अंग्रेजों द्वारा मूर्ख प्रपोजल है, इन सब का बाइकॉट करना चाहिए और तब 2 अप्रैल को नव वर्ष जो है पूरे उल्लास से, जोश से मनाना चाहिए। धन्यवाद। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी नीति छोड़ गए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे मैडम आप, हमको अब स्वतंत्र होना है, हमने स्वतंत्र की तरह बिहेव करना है। अब हम आज़ादी के इतने साल हो गए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने हमारे देश को इतने आगे लेके जा रहे हैं, तो हमें उसी अनुरूप में उनके साथ साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना चाहिए और वैदिक संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम आपको और दिखाएंगे जिस तरीके से वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल को लेकर के कर्नल अनिल आहूजा जी के द्वारा यहाँ पर जो है पूरा आपका एक जो भवन का निर्माण हो रहा है, गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, तो गुरुकुल का जो निर्माण हो रहा है वो कितना और आगे बढ़ रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। सर जी, आप हमारे साथ में चलिए और थोड़ा बताइए कि कितना आगे कार्य बढ़ा है। जी सर, तो ये बताइए, पिछली बार हम लोग आए थे तो काफी ज्यादा काम आपका बढ़ गया, ये यहाँ पे किस क्या बनेगा सर? ईश्वर की कृपा से प्रवचन हाल का काम बहुत अग्रसर है, उन्नति पर है।
दरवाजे और चौखटे सब लग गए हैं, खिड़कियां लग गई हैं और दोनों तरफ की दीवारें बन गई हैं। ये हाल जो है जो कि 40 फीट लंबा होगा, 18 फीट चौड़ा होगा। यहाँ पर हमारे लखनऊ के विद्वान हमें वेदों की शिक्षा देंगे, लेक्चर दे सक भविष्य में दे पाएंगे और कोई फंक्शन किया जा सकता है, बच्चों की क्लासें यहाँ पर की जा सकती हैं। तो ये मल्टीपर्पज हॉल होगा जो कि बहुत ईश्वर की कृपा से ईश्वर ये हमें सहायता दे रहे हैं और ये आगे उन्नति के पथ पर ये हाल बनता जा रहा है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज हम लोग आए थे कल्ली पश्चिम में मोहनलालगंज में आए हुए थे, यहाँ पर जो हमने आपको पहले भी दिखाया वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना कर्नल अनिल आहूजा जी के द्वारा हुई थी, जिन्होंने एक जो है अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और यहाँ पे गुरुकुल बनाने के लिए उन्होंने अपना प्रण उठाया, जिसका आपको हम दिखा रहे हैं कि जनवरी से इसका काम शुरू हो गया था और अब दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में इसका काम काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। तो आज हम उनसे खास बातचीत में करने के लिए आए थे हिंदुत्व के 9 वर्ष को लेकर के, कि जिस तरीके से हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं तो उसी तरीके जो हम लोगों का हिंदुओं का जो 9 वर्ष है वो चैत माह से शुरू होता है। तो चैत माह में भी जो हम लोग का नया वर्ष होता है पूरा प्रकृति का आगमन होता है, प्रकृति उसमें दिखा देती है कि नए पत्तियां नए फूल और नए मौसम के साथ में वो नए वर्ष का स्वागत करती है। तो इसी की जागरूकता के लिए वो उन्होंने यहाँ पे वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार डालने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या चीज है जिससे भी बच्चे अछूते हुए हैं। तो इसी के साथ में अर्चना आपसे जारी लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।